आज हम बात करेंगे इस महान औषधि के विषय में। इसको तो आप लोग अच्छी तरह पहचानते होंगे, हमारे भारत देश में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, या लगभग हर किसी के घर के आसपास आसानी से मिल जाता है। इसे अंग्रेज़ी में एगलफोलिया के नाम से या फिर एगल मर्मेलोज के नाम से जाना जाता है। इसको हम जिसे हम बेल कहते हैं, बेल का पेड़ या बेल का फल, यह है दोस्तों बेल का फल। यह बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसके गुण धर्म की बात करें तो यह सबसे पहले यह कब्ज को दूर करती है। यह इसका दवा जो है बनाया जाता है, जिसके प्रयोग से कब्ज दूर होती है। सबसे पहले यह पेचिस में काम आता है, पेचिस में बहुत लोग जानते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग पेचिस में किया जाता है। और यह रक्त स्राव को रोकती है, यानी कहीं पर ब्लडिंग हो रहा है तो उसको इसके प्रयोग से ब्लडिंग को रोकने में बहुत मदद मिलता है। अमाशय और अंतड़ियों में यह बहुत अच्छा काम करता है। आँतों की सूजन या पेट की सूजन, हृदय रोगों को दूर करता है। और यह लीवर को शक्ति प्रदान करता है, हार्ट को ताकत देता है, हृदय रोगों में बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। इसका पका हुआ फल या फिर सूखा हुआ फल जो है, पुराना पेचिस, दस्त, आम आना, इन सबको ठीक करने में बहुत ही कारगर है। या आँतों की सूजन, आँतों के घाव में बहुत ही ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। यह पेचिस पखाने से रक्त आना, यानी बवासीर के रक्त जो होते हैं यहाँ पेट के, पेट में जो रक्त स्राव हो रहा है उसको रोकने में बहुत अच्छा मदद मिलता है। यह बच्चों की पेचिस में बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। इसका फल, सूखा फल आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको ले करके आप पीस कर पाउडर की चूर्ण बना लीजिए और इसका प्रयोग करें। एक एक चम्मच बच्चों को कम मात्रा में प्रयोग कराएं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं दोस्तों। इसके पत्ते जो है नज़ला से पैदा जुखाम, नज़ला से पैदा बुखार, शरीर में पानी पड़ जाना, जिसे शरीर में सूजन हो जाना, खूनी बवासीर के लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। इसके प्रयोग से बवासीर का जो खून आता है वह पूरी तरह से बंद हो जाता है। यह दस्त को बहुत आसानी से ठीक करता है। पुराना पेचिस हो उसमें यह बहुत ही कारगर है। कभी दस्त कभी कब्ज रहती है, पेट फूल जाता है, पेट की सूजन, पेट में गैस बनना, पेट में वायु भर जाना और आँव की अधिकता हो, जिसे आँव अधिक आ रहा है उसमें बहुत ही कारगर है दोस्तों। सुबह शाम इसका गुदा गुदा जो है प्रयोग करना है, आवश्यकता के अनुसार ले करके सुबह शाम। या पका हुआ फल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका आँव, इसका जो है गुदा खाने से पेट की आँव, गैस, जलन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसको प्रयोग करना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसका पत्ता भी बहुत सारे रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। यह है इसके पत्ते, देखिए बेलगिरी के पत्ते हैं, ये इसके फल हैं। बस इस फल को ले करके आपको सुखा लेना है और इसका प्रयोग करना है। इसको ऐसे भी कच्चे भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके पेड़ की छाल भी बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों।
पके हुए फल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर पका हुआ ना मिले तो आप इसका सूखा हुआ फल पंसारी के वहाँ से ले करके प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आप होम्योपैथिक की मेडिकल स्टोर पर, होम्योपैथिक की दुकानों पर आपको यह आसानी से इसका मदर टिंचर मिल जाएगा। इसका प्रयोग आप मदर टिंचर के रूप में पेचिस, पतले दस्त आना, पेट में वायु भर जाना, अफारा हो जाना, गैस बन जाना, पखाने के रास्ते दस्त आना, आँव आना की मुख्य औषधि है दोस्तों। बच्चों की नई पुरानी पेचिस में भी बहुत ही लाभकारी है यह। इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। इसका होम्योपैथिक नेम ईगल मेम्बोरेट, ईगल मर्मलेज के नाम से आपको होम्योपैथिक दुकानों पर आसानी से मिल जाएगा। इसको प्रयोग करने की विधि है दोस्तों, 5 से 20 बूंदे आपको पानी में मिला करके दिन में 2 से 3 बार प्रयोग करें। इस तरह प्रयोग करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। बच्चों को 5 से 7 बूंदे पानी में मिलाकर पिलाएं, कुछ दिन प्रयोग करें तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।